Assalamu alaikum viewers, here is biography of Sachal Sarmast and I will also explain two poems of Sachal Sarmast in this video. Let's start from his biography. His real name was Abdul Wahab Farooqi. Abdul Wahab Farooqi is ka real name tha Sachal Sarmast ka. And he was also nicknamed as Sachal or Sachu. Unko Sachal bhi bolte the aur Sachu bhi bolte the. Kyunki wo Sindhi se belong karte the because he belonged to Sindhi. Sindh ki language hai. और सचल और सचू सिंधी लैंग्वेज में ही बोलते थे उन्हें. ही यूज द स्पेन नेम इन हिज पोएट्री और उन्होंने क्या किया, स्पेन नेम को पोएट्री में अपनी जो पोएट्री थी वहाँ पर भी यूज़ किया. जिस तरह हम देखते हैं कोई पेन नेम अगर हम पोएट्री लिखते हैं नीचे अपना नाम लिख देते हैं, और सचल सरमस्त ने अपना नाम एज अ सचू यूज़ किया अब्दुल वहाब फारूकी ने. सचू मीन्स ट्रुथफुल एंड एक्सटेटिक. अब हमें तो ये पता है कि सच सच क्या है. सच का मतलब सच बोलना. सचू मीन्स ट्रुथफुल. ट्रुथफुल मतलब सच बोलना. एंड एक्सटेटिक. अब एक्सटेटिक क्या होता है, फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करना. इसका मतलब ये कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करना. उनको भी ये खुशी तो होगी ना कि उनको निक नेम सचल और सच्चू दिया गया है काफ़ी लोगों की वजह से, इस वजह से उनको इस नाम से पहचाना जाता है. सचल सरमस लिटरली मीन्स ट्रुथफुल मिस्टिक. अब उनको इसका जो लिटरली मीनिंग है सचल सरमस्त का, सच्चू का, सचल का मतलब ट्रुथफुल और सचल सरमस का मतलब ट्रुथफुल मिस्टिक और कैन बी ट्रांसलेटेड एज एक्सटेटिक सेंट ऑफ ट्रुथ. अब सेंट कौन होता है, सूफी और रिलीजियस पर्सन. सचल सरमस भी सूफी और रिलीजियस पर्सन थे. सरमत प्रोनाउंस सरमस्तु इन सिंधी. अब उनको सिंधी में कैसे बोलते थे, सरमस्तु. हम तो सरमस्तु बोलेंगे लेकिन सिंधी में सरमस्तु बोलते थे. मीनिंग लीडर ऑफ इंटॉक्सिकेटेड और मैड के सरबराह, लीडर. लीडर किसका, मैड का. बिल्कुल जो पोइट्स होते हैं उन्होंने अपनी पोइट्री कैसे लिखनी होती है, उनके माइंड में कभी क्या ख्यालात आ रहे हैं और कभी क्या ख्यालात आ रहे होते हैं. इज द टाइटल ओपन यूज बाय हिज फॉलोअर्स. उसके फॉलोअर्स उनको बोलते होते थे सरमस्तु. द टाइटल गिवन टू हिम फर्स्ट बाय आगा सूफी. सबसे पहले उन्हें ये टाइटल किसने दिया, आगा सूफी ने दिया. अ कंपाइलर ऑफ हिज रिसालू. अब ये रिसालू क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. उन्होंने उनकी जितनी भी ज्यादा पॉइंट्स थी सबको कलेक्ट करके और एक रिसालू बना दिया, और उसको कंपाइल किसने किया, आगा सूफी ने. रेफर्स टू द फैक्ट दैट सचल वाज इंटॉक्सिकेटेड बाय लव. सचल सरमस्त वाज बोर्न इन 1739 सीडी दराजा. अब दराजा की भी एक हिस्ट्री है, मिस्ट्री है ये. एक खैरपुर में पैदा हुए वो. डाइड इन 87 या 88 की एज में उनकी डेथ हो गई थी. श्राइन ऑफ सचल सरमस इज लोकेटेड एट 40 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ खैरपुर सिंध. अब श्राइन क्या है, उनका मकबरा. उनका मकबरा कहाँ है, खैरपुर सिंध. सचल्स फादर हैड डाइड व्हेन ही वाज चाइल्ड. जब वो छोटे से थे तो उनके फादर की डेथ हो गई थी. ही वाज लेटर रेज्ड बाय हिज अंकल एंड हिज मास्टर. फिर उनको किसने बड़ा किया, उनकी परवरिश किसने की, उनके अंकल ने की, और वही अंकल उनके मास्टर भी थे. मास्टर, उनके मास्टर का नाम क्या था, हादी मुर्शिद. हादी मुर्शिद. और उनका नाम क्या है, अब्दुल हक. सचल सरमस्त मैरिड विद डॉटर ऑफ हिज अंकल. अब उन्होंने क्या किया कि अपने मास्टर की बेटी से शादी कर ली. मास्टर भी कह सकते हैं और अंकल भी कह सकते हैं. और सब कुछ जितना भी सचल सरमस्त ने सीखा है अपने मास्टर से सीखा है. बट द यंग वुमेन डाइड 2 years लेटर. लेकिन उन्होंने जिससे शादी की थी वो 2 साल बाद उनकी भी डेथ हो गई थी. ही नेवर री मैरिड. फिर उन्होंने कभी भी दोबारा शादी नहीं की. इट इज सेड दैट ही नेवर लव्ड दराजा. अब जहाँ पर वो पैदा हुए थे उन्होंने वो प्लेस तो छोड़ी ही नहीं. द विलेज ऑफ हिज बर्थ. उनके बर्थ की प्लेस जो थी उन्होंने छोड़ी ही नहीं, वहीं पर ही रहे शुरू से लेकर आखिर दिन तक. फॉर हिज सिटी दराजा इज लिटरली मीन्स डोर ऑफ मिस्ट्री. अब दर का तो हमें पता है, दर का मतलब है डोर और राजा का मतलब है मिस्ट्री के राज रखना. डोर ऑफ मिस्ट्री, राज का दरवाजा. एज इट इज द कम्बिनेशन ऑफ टू पर्शियन वर्ड्स. दो पर्शियन वर्ड से मिलके बना है दर राज. वेयर एज दर मीन्स डोर, ये आपको मैंने पहले बता दिया है. दर मीन्स रोड एंड डोर एंड राज मीन्स मिस्ट्री. मिस्ट्री का मतलब राज होता है. He invited truth seekers come to Daraza to explore more truth and unfold mystery of God which is in you.
वो इनवाइट करते हैं कि हम सच की तलाश करें। दरवाजा में आने पर लोगों को मजबूर करते थे कि हमें पता चले अपने बारे में, और जब हमें अपने बारे में पता चलेगा तभी हम गॉड के बारे में जान सकेंगे। स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव फॉर ह्यूमैनिटी, उन्होंने इंसानियत के लिए मोहब्बत रखने का मैसेज फैलाया थ्रू पोइट्री, अपनी पोइट्री के जरिए, ड्यूरिंग द तालपुर इरा ऑफ सिंध। अब तालपुर इरा ऑफ सिंध क्या है? तालपुर एक कास्ट थी और उस वक्त ये कास्ट रूल कर रही थी सिंध में, कास्ट दैट वाज रूलिंग एट दैट टाइम ऑन सिंध। और उन्होंने इस इरा में अपनी पोइट्री लिखी, किस टॉपिक पर लिखी? लव फॉर ह्यूमैनिटी के लिए। ही रोट पोइट्री इन 7 languages, 7 languages में उन्होंने पोइट्री लिखी, ना सिर्फ एक लैंग्वेज बल्कि 7 languages में। मोस्ट प्रोमिनेंट इज फारसी, फारसी मीन्स परजिया, परजिया में उन्होंने ज़्यादा पोइट्री लिखी। सिंधी, सराइकी, पंजाबी, ये प्रोमिनेंट, मोस्ट प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस हैं। हिज परजियन पोइट्री इज़ वेरी डीप पोइट्री एज कम्पेयर टू अदर परजियन पोइट्स ऑफ हिज एज एंड इरा। अब हम तो ये जानते हैं कि रूमी भी एक परजियन पोइट्स था, और जितने भी पोइट्स थे सारे इनके कंटेम्प्रेरी थे। उनसे ज़्यादा डीप पोइट्री किसकी थी? सचल सरमस्त की पोइट्री। हिज ऑल पोइट्री इज़ अबाउट स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म की उनकी पोइट्री होती थी, स्पिरिचुअलिज्म का उनका टॉपिक होता था मोस्टली। ही टॉट मैनी मिस्टिकल वेज टू हिज फॉलोअर्स एंड डिवोटीज, डिवोटीज भी फैन एंड फॉलोअर्स ही होते हैं। उन्होंने काफ़ी मिस्टिकल वेज बताए थे कि किस तरह आप मेरी तरह बन सकते हैं, टू फाइंड आउट ईजीली गॉड, कि हम गॉड की तलाश में किस तरह मिस्टिक बन सकते हैं। मिस्टिक बनेंगे तो हमें गॉड का असल मतलब पता चलेगा, उनकी एग्जिस्टेंस का पता चलेगा, उनके बारे में पता चलेगा। जस्ट सिंक इन योर इनर एंड सी द रियल पाथ गोज टू डेस्टिनी, अपने अंदर डूब जाओ। इट्स वेरी ईजी टू फाइंड गॉड, जस्ट सिंक इन टू योर इनर। ये सचे सरमस्त ने हमें तरीका बताया है, and then you can find out the path which leads you towards your final destination। कि हम अगर अपने अंदर देखें, अपने आप को तलाश करें, तो हमें गॉड भी मिल जाएगा। अनल हकीजम, अब ये एक कॉन्सेप्ट है, टाइटल है, और ज्यादातर पॉइंट्स जो सरमस ने इस टाइटल को डिवोट की हैं। आई एम गॉड, अनल हक का मतलब है आई एम गॉड। ही लव्ड म्यूजिक, अ लॉट ऑफ म्यूजिक वाज सोर्स ऑफ एक्सटेसी फॉर हिम। म्यूजिक से उनको मोहब्बत थी, और जो म्यूजिक वो जिस म्यूजिक को वो पसंद करते थे वो उनके सोर्स ऑफ प्लेयर था उनके लिए। एक्सटेसी मीन प्लेयर, एक्सट्रीम जॉय। ही वॉज इन डीप मेडिटेशन एंड सडनली ही ब्रोक साइलेंस, डीप थाट्स में थे। एक दिन वो ना बहुत डीप थाट्स कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, और अचानक से उन्होंने अपनी साइलेंस तोड़ी, खामोशी तोड़ी, और क्या बोलने लग के? अनल हक, जिसका मतलब है आई एम गॉड, आई एम अल्लाह। एंड फ्रॉम द डे ही वॉज ऑल्सो फेमस विद द नेम ऑफ मंसूर सानी, और उसी दिन से इनको क्या बोला जाने लगा? मंसूर सानी। और मंसूर सानी कौन था? वो ये बोला था कि मैं गॉड हूँ, मैं अल्लाह हूँ, और बस मैं और गॉड एक ही चीज़ हूँ। और जिसकी वजह से इनको फांसी पे भी चढ़ाया गया था, इस वजह से सच्चे सरमस्त को भी मंसूर सानी के नाम से जाना जाने लगा। मंसूर आ फेमस सूफी सेंट ऑफ बगदाद, वो बगदाद के सूफी सेंट थे, नाउ इन इराक। वाज एग्जीक्यूटेड, मतलब हैंग्ड, फांसी पर लटका दिया गया था उनको 10 हिजरी में, फॉर क्लेमिंग एंड सेइंग दैट आई एम गॉड, आई एम अल्लाह। बार बार वो बोल रहे थे गलियों में जाके, कभी किसको बोलें, कभी किसी को, अगर किसी को ना भी बोलें लेकिन फिर भी गलियों में ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे आई एम गॉड, आई एम अल्लाह। जिसकी वजह से उन वहाँ पर जो रूल कर रही थी कास्ट, या जो लीडर थे जो रूल कर रहे थे, उन्होंने हुक्म दिया कि इनको एग्जीक्यूशन पे ले जाओ, इनको हैंग कर दो। फिर वो डेथ हो गई उनकी। अच्छा, सरमस्त वाज हाईली इम्प्रेस्ड बाय हजरत हुसैन बिन मंसूर हुलाज। अब वो किन से इंस्पायर थे? हजरत हुसैन बिन मंसूर हुलाज। एंड ही प्रीच्ड अबाउट अनल हकीज़म, और वो भी अनल हकीज़म के बारे में भी प्रीच करते थे। एंड डेडिकेटेड, जब हमारा इंटरेस्ट हो, जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट हो, अगर कोई और भी अगर वो चीज़ कर रहा हो, तो हमारा इंटरेस्ट और डेवलप हो जाता है और हम उसके फॉलोअर्स हो जाते हैं। एंड डेडिकेटेड हिज मोस्टली पोइट्री वर्क टू दिस टर्म,
ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि इस टर्म को अपनी पोइट्री डिवोट करती थी, ज्यादातर वो पोइट्री इस टॉपिक के ऊपर लिखते थे। ही प्रेज्ड मंसूर एंड सजेस्टेड हिज फॉलोअर्स, और उन्होंने क्या वो क्या करते थे, मंसूर को मंसूर की तारीफें करते रहते थे, उसकी तारीफों में पोइट्री लिखते रहते थे। एंड सजेस्टेड हिज फॉलोअर्स, और हम जो फॉलोअर्स है उनको जो फॉलो करते थे उनको क्या बोलते थे, टू बी मंसूर एंड फॉरगेट वॉट यू आर, के मंसूर बन जाओ और जो कुछ तुम हो उसको भूल जाओ और मंसूर बन जाओ। मंसूर भी सब कुछ भूल गया था अपने बारे में और बोलने लगा आई एम गॉड आई एम अल्लाह। सचल सरमस्त वॉज एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ वहदतुल वजूद। अब आर्डेंट का मतलब क्या है, पुरजोश, पुरजोश फॉलोअर थे किसके, वहदतुल वजूद के। अब वहदतुल वजूद भी एक यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस है, ये भी एक टॉपिक है। एन इस्लामिक फिलोसफी, ये एक इस्लामिक फिलोसफी है। सिनोनिमस विद हमाउस, हमाउस का मतलब क्या है, ऑल फ्रॉम वन, इसका मतलब ये कि हम सब वन मीन गॉड, कि हम सब गॉड की एग्जिस्टेंस है, हम सब गॉड, हमें हम सब को किसने पैदा किया, गॉड ने, और हम सब गॉड से ही वजूद में आए हैं, हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है। और हमाउस का मतलब भी यही है। द पोइट स्ट्रॉन्गली बिलीव्ड इन टॉलरेंस अमंग रेसेस कास्ट एंड जेंडर्स। अब उनके अंदर इतना बर्दाश्त था कि वो रेसेस को भी बर्दाश्त करें, कास्ट सिस्टम को भी बर्दाश्त करें और जेंडर्स का भी, क्योंकि कितने ज्यादा कॉशियस होते हैं कि नहीं इस कास्ट के लिए हम नहीं लिखेंगे। उनकी पोइट्री हर कास्ट के लिए थी, हर हर किस्म की रेसेस और जेंडर के लिए थी, के कोई भी उसको समझकर उसको लेसन हासिल कर सकता था उनकी पोइट्री से। हिंदूज एंड क्रिश्चियंस आल्सो विजिट हिज दरगाह, दरगाह वही श्राइन और हम टॉम कह सकते हैं, उनकी दरगाह को विजिट करते थे, विच इज और अभी भी करते होंगे, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लूरलिज्म, द सिस्टम इन विच टू और मोर ग्रुप्स को एग्जिस्ट। एवरी वन इज अलाउड टू विजिट हिज दरगाह, किसी पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं आपने नहीं आना, आपने आना है, इस तरह का सिस्टम कोई नहीं है। सूफी सरमस्त रिवोल्टेड अगेंस्ट द मुल्ला ऑर्डर। अब मुल्ला ऑर्डर क्या है, मुल्ला ऑर्डर वो है जो इस बात को नहीं मानते कि अनल हक को नहीं मानते, जिस तरह मंसूर बोल रहा था कि आई एम गॉड आई एम अल्लाह, उन्होंने इस बात को नहीं माना, इसी वजह से उनको हैंगिंग हुई थी। और सचल सरमस्त ने क्या किया, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, बगावत की मुल्ला ऑर्डर के खिलाफ विद हिज पोइट्री एंड फिलोसफी, अपनी फिलोसफी की वजह से और अपनी पोइट्री की वजह से, अपने पेन को यूज किया उन्होंने, बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ अनल हक आई एम द ट्रुथ। अनल हक का मतलब यही है, आई एम गॉड आई एम अल्लाह एंड आई एम ट्रुथ, द ब्रेव स्पीक द ट्रुथ। अपने बारे में आप कह रहे हैं कि जो ब्रेव होते हैं वो सच बोलते हैं, लेट अदर्स लाइक इट और नॉट, कोई पसंद करे या ना करे हमने तो सच ही बोलना है। अब यहाँ पर आगे उनकी कोटेशन आ गई हैं कि उन्होंने क्या क्या बोला। सचल सरमस्त वन सेड ही गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर एज वी ऑल नो दैट, एंड इन ईच एंड एवरी फिनोमिना, फिनोमिना मीन आइडिया, हमारे माइंड में कोई भी आइडिया आ गया उसमें भी गॉड होगा, गॉड की वजह से हमारे माइंड में आइडिया आता है, बिकॉज गॉड हैज गिवन हज द एबिलिटी टू थिंक एंड टू टेक डिसीजन। He, God, has come here just to witness His own manifestation, display, demonstration. God wants to see His creation. He is around us. हमारे around है, हमारे सामने ही मौजूद है, लेकिन हमें तो नजर नहीं आता, but God can see us. हमारे सामने क्यों है, ताकि वो हमें देख सके, अपनी creation को देख सके, display and demonstration mean He wants to see His creation. There is no way but the way of Muhammad, peace be upon him. और कोई भी रास्ता नहीं है जो हमें रहनुमाई पर ले जाए, There is only way जो हमें रहनुमाई पर लेके जा सकता है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना, और वही हमें रहनुमाई की तरफ लेकर जा सकता है। If don't know this, then that heart is unaware of everything. अगर हमें इस बात का नहीं पता तो हम कुछ भी नहीं जानते फिर। If you are unable to follow the path of Prophet, peace be upon him, then it means that your heart is unaware of everything. Your heart is blank, empty. Neither I am a follower, ना ही मैं follower हूँ, nor a master, और ना ही मैं master हूँ। मतलब अपने आप को कुछ भी नहीं समझ रहे। All are devotees of devotee. सब follower के follower हैं। Devotees mean followers. Neither I am dictator, ना ही मैं कोई rule कर रहा हूँ, nor a savage, ना ही मैं zalim हूँ। But I am the leader of peace. सिर्फ अमन और सुकून का leader हूँ। मैं सिर्फ फॉलोअर हूँ उनका, जो के फॉलोअर्स हैं गॉड के, जो गॉड के फॉलोअर्स हैं बस मैं उनका फॉलोअर हूँ, इस्लामी लोगों का फॉलोअर हूँ बस, एंड नथिंग एल्स।
And now let's start his poems. The first poem is included in our syllabus is Friend, this is the only way. Dosto, sirf yahi tarika hai. I will just elaborate this poem in simple language. Friend, this is the only way to learn the secret way. Secret way kya hai? Secret way kya hai? Sachai ko talash karna, sachai ki talash karna. अगर आपने सच्चाई की तलाश करनी है तो आपको अपने रूल्स ही फॉलो करने पड़ेंगे. खुद सच आप तलाश करें रादर देन थ्रू मेयर कन्फर्मिटी. कन्फर्मिटी मीन्स स्टैंडर्ड्स रूल्स. आपको किसी और के रूल्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है सच्चाई की तलाश करने के लिए. खुद ही अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो अपने रूल्स को फॉलो करें. किसी को भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. इग्नोर द पाथ्स ऑफ अदर्स. दूसरे लोगों के रास्ते को छोड़ दो, उनको नहीं फॉलो करो. इवन द सेंट्स, जो सेंट्स थे, सूफी थे, उनको भी छोड़ दो. उनकी भी, उनका भी रास्ता फॉलो मत करो. डोंट फॉलो, डोंट जर्नी एट ऑल. उनके रास्ते पर कभी जाना ही नहीं है. उनके स्टेप्स को ही इग्नोर कर दो. मैं ये एडवाइस कर रहे हैं कि हम अपने वेज को एक्सप्लोर करके सच्चाई की तरफ जाएं. रिप द व्हील फ्रॉम योर फेस. रिप का मतलब के फाड़ना. टियर ऑफ, जो चेहरे पर नकाब डाला हुआ है उसको फाड़ दो. ट्राई टू फाइंड आउट योर सेल्फ. अपने आप को तलाश करो. जब हम अपने आप को तलाश करेंगे तो हमें गॉड डायरेक्टली मिल जाएंगे. फॉलो योर ओन पाथ. अपने अपने आप को रब को तलाश करें. कम टू द सेकेंड पॉइंट इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस विच इज वी आर वट आर वी. यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि हम हैं लेकिन हम हैं कौन. हमें किस वजह से पैदा किया गया है. वी आर वट आर वी. वी नो नॉट वट आर वी. हम जानते नहीं हैं कि हम हैं कौन. हम ह्यूमन बींग्स बिल्कुल हम कन्फ्यूज्ड हैं, परप्लेक्स्ड हैं. हमें समझ नहीं आ रही कि हम हैं कौन. फॉर अ मोमेंट वी आर ब्लेस्ड. एक एक मोमेंट आता है कि हम शुक्र गुजारी कर रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है. जितनी भी हमारे पास नेमतें हैं वी आर फुलफिलिंग अवर और हम थैंकफुल होते हैं गॉड के. लेकिन अगले ही मोमेंट में हम क्या कर रहे होते हैं. हम कहते हैं वी आर अकर्स्ड. हमें अपनी मिजरीज याद आ जाती हैं कि हमारी क्या मुसीबतें हैं और उन मुसीबतों को याद करके हम रोने लग जाते हैं. हमें समझ नहीं आती. एक मोमेंट में हम ब्लेस्ड हो रहे होते हैं और दूसरे मोमेंट में हम अपने आप को कह रहे हैं कि हम अकर्स्ड हैं. और इसमें हमारी कन्फ्यूजन नजर आ रही होती है. ये सोच रहे होते हैं गॉड इज नॉट विद अस, वी आर अकर्स्ड पीपल. हम समझते हैं कि हमारे साथ तो गॉड है ही नहीं, सारी मुसीबतें हमारे ऊपर ही आनी होती हैं और कोई नहीं रह गया इस दुनिया में. सम मोमेंट वी प्रे एंड फास्ट. और एक ऐसा लम्हा आता है कि हम बिल्कुल रिलीजियस बन जाते हैं, रिलीजियस ड्यूटीज को फॉलो करते हैं, रोजे रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सब कुछ इस्लामी काम वगैरह करते रहते हैं. लेकिन सम मोमेंट वी आर फ्री स्पिरिट्स. और बाज़ औक़ात हम ऐसा महसूस करते हैं वाई आई एम फॉलोइंग दिस पाथ. हम ये सब फॉलो क्यों कर रहे हैं. मैं तो बिल्कुल आज़ाद हूँ, मैं तो ये फॉलो नहीं करूँगा. मैं क्यों फॉलो करूँ इन रिलीजन रूल्स को, मैं क्यों फॉलो करूँ. यहाँ पर भी हमारी कन्फ्यूजन जाहिर हो रही होती है. नाउ वी डिक्लेयर ओनली वी एग्जिस्ट. और एक लम्हा ऐसा आता है कि हम ये डिक्लेयर कर रहे होते हैं हाँ जी हाँ हम तो डिक्लेयर करते हैं इस दुनिया में हमारी एक एग्जिस्टेंस है. एक यहाँ पर एग्जिस्टेंशियलिज्म की एक फिलॉसफी एक्सप्लेन की गई है. एग्जिस्टेंशियलिज्म जो हमने प्रीवियस सेमेस्टर्स में पढ़ा है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म एक फिलॉसफी है जो एम्फसाइज करती है इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस को, फ्रीडम को और चॉइस को. जो हमें ये बताती है कि हम फ्री हैं, हमारी अपनी चॉइस है, हम जो मर्जी करें. बट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट वुड डिक्लेयर दैट वी डोंट एग्जिस्ट. अगले ही मरहले में हम ये डिसाइड करते हैं नहीं हम तो डिस्कस ही नहीं करते. देर इज नो फ्रीडम और चॉइस. हमारी तो कोई मर्जी ही नहीं है. वी हैव टू फॉलो द पाथ सेट बाय अवर मास्टर्स. हमारे मास्टर्स ने जो हमारे लिए रूल्स रखे हैं हमें बस वही फॉलो करने हैं. हमारा तो अपना कोई रूल ही नहीं है. फॉर अ बिट अवर हर्ट इज काम. एक मोमेंट के लिए हमारा दिल बिल्कुल मुतमईन होता है. हम बिल्कुल किसी परेशानी को हम याद नहीं करते. लेकिन अगले ही मरहले में हम क्या करते हैं वी वीप रिवर्स. हम रोने लग जाते हैं. इतना रोते हैं कि हमें कोई भी अपने अल्लाह ताला की नेमत याद नहीं आते. वो इट शोज अस थैंकलेसनेस. हमें अपनी मुसीबतें याद आ जाती हैं तभी हम रो. नाउ वी से वी आर सेल्फ रियलाइज्ड. अब हम कहते हैं कि हमें पता है अपने बारे में. हम सब कुछ जानते हैं. ठीक है हम जानते हैं अपने बारे में. फिर उसके बाद ही हम क्या कहते हैं नाउ वी आस्क हु आर वी. हम कौन हैं.
हमें किस वजह से पैदा किया गया है, हमारा मकसद क्या है इस दुनिया में, हम क्यों आए हैं। अगर हमारी लाइफ में इतनी मुसीबतें हैं तो हम आए ही क्यों हैं, अल्लाह ताला ने हमें पैदा ही क्यों किया है। सचल वी आर ओनली दैट इटर्नली। अब यहाँ पर सचल सरमद क्या बोल रहे हैं, इन लास्ट लाइन में क्या बोल रहे हैं, ह्यूमन बींग्स रिमेन लाइक दिस फॉर एवर, हम ऐसे ही हैं और हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। वी आर ओनली दैट इटर्नली, हम हमेशा से ऐसे ही रहेंगे, हम सारी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे और ये हमारी नेचर में लिखा गया है, हम बदलेंगे नहीं कभी। हम एक चीज़ के लिए थैंकफुल होते हैं और उसी के बाद ही हम थैंकलेसनेस का शिकार हो जाते हैं, हम थैंक्स करते ही नहीं हैं अल्लाह ताला को। वट अदर कॉन्ट्रैक्ट्स कैन वी मेक हेयर, समटाइम्स वी मेक प्रोमिसज और एग्रीमेंट्स दैट वी वुड नॉट बिहेव लाइक दिस इन फ्यूचर, हम बाद में फिर कहते हैं चलो हम आइंदा से अब ऐसे नहीं करेंगे, हम प्रोमिस कर लेते हैं लेकिन फिर भी हम दोबारा से वही चीज़ें करने लग जाती हैं। दिस आंसर इज वी ह्यूमन आर लाइक, और इसका आंसर क्या है कि हम इंसान ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही बिहेव करते हैं। This is the end of this video and about the Sachal Sarmast biography and his poem. Thank you and Allah Hafiz.